बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जहां किसी के भी सीक्रेट्स छुपाए नहीं छुपते, चाहे वो फनी सीक्रेट्स हो या फिर डर्टी, सभी मीडिया के जरिए फैंस तक पहुंच ही जाता है। और आज हम आपको इस वीडियो के जरिए ऐसे ही कुछ डार्क सीक्रेट्स बताने जा रहे हैं। नंबर वन, क्या आपको पता है कि आमिर खान जब अपनी सुपरहिट फिल्म गुलाम शूट कर रहे थे, तब वो बॉलीवुड राइटर जेसिका हाइंस के काफी करीब आ गए थे। ऐसा कहा जा रहा था कि इस फिल्म के बाद जेसिका प्रेग्नेंट हुई और उनका एक बेटा हुआ। हालांकि आमिर ने कभी भी इस बात को नहीं माना, पर जेसिका हमेशा सबके सामने खुलेआम ये बात कहने से पीछे नहीं हटी। और साथ ही एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि जब उनका बेटा बड़ा हो जाएगा तब वो उससे कहेगी कि उसके पिता को वो दोनों पसंद नहीं थे। नंबर टू, बहुत सारे लोगों को ये बात शायद पता नहीं होगा कि ऋतिक रोशन को सुजैन के साथ अपने डिवोर्स के बाद एक पर्सनल लाइफ कोच हायर करना पड़ा। ऋतिक को किसी प्रोफेशनल के हेल्प की जरूरत लगी अपने डिवोर्स से उभरने के लिए। इस लाइफ कोच का काम ये था कि वो ऋतिक को अपने काम में फोकस करने में मदद करेगी और अपने डिवोर्स से उभरने में मदद करेगी। नंबर थ्री, सोनाक्षी सिन्हा का चेहरा अपनी माँ पूनम सिन्हा से कम और यस्टरडे एक्ट्रेस रीना रॉय से ज्यादा मेल खाता है, और इसलिए ऐसे रूमर जुड़े कि सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न और पूनम सिन्हा की नहीं बल्कि शत्रुघ्न और रीना रॉय की बेटी हैं। नंबर फोर, शिल्पा के पति राज कुंद्रा की एक्स वाइफ ने शिल्पा पर इल्जाम लगाया था उनका घर तोड़ने का। राज की एक्स वाइफ ने ये कहा था कि राज शिल्पा से इस कदर अट्रैक्ट हो गए थे कि राज ने वापस कभी मुड़कर उनके परिवार को देखा ही नहीं, पर शिल्पा का इस बात पर कहना है कि उन्होंने किसी का घर नहीं तोड़ा। जब राज उनसे मिले थे तब उनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका था। नंबर फाइव, कंगना रनौत हमेशा से बॉलीवुड की क्वीन नहीं थी। वो पहले इतनी सक्सेसफुल नहीं थी और स्ट्रगल कर रही थी बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए, पर तभी उनका बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। आदित्य कंगना पर हाथ उठाते थे, पर फिर भी कंगना ने उनके साथ ब्रेकअप नहीं किया क्योंकि आदित्य के जरिए ही वो बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने का सोच रही थी। नंबर सिक्स, रूमर्स के मुताबिक सलमान खान ने जैकलीन फर्नांडिस को मुंबई में 3 करोड़ का फ्लैट गिफ्ट किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, पर उस दौरान सलमान और जैकलीन को अक्सर सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस में जाते हुए देखा जाता था, जिसका मतलब है कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो जरूर था। नंबर सेवन, क्या आपको पता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्म चलते चलते के लिए पहली चॉइस थी, रानी नहीं, पर शाहरुख ने ऐश को इस फिल्म से निकाल दिया सलमान खान के वजह से। जी हाँ, दरअसल सलमान अक्सर इस फिल्म के सेट पर आ जाया करते थे और सेट पर सीन क्रिएट करते थे, जिससे परेशान होकर शाहरुख खान ने ऐश को फिल्म से निकाल दिया और रानी को ले लिया। क्यों, ये सब सुन चौंक गए ना आप? वेल, ये थी बॉलीवुड के कुछ डीप डार्क सीक्रेट्स। क्या आपको भी ऐसे कोई सीक्रेट्स पता है बॉलीवुड स्टार्स के बारे में, तो अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। बॉलीवुड और टेलीविजन के मसालेदार अपडेट्स और स्पाइसी गॉसिप्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिल्मी ड्रामा को।